दोस्तों ये है सैमसंग T7 SSD का डब्बा और दोस्तों ये है सैमसंग का ही T5 का डब्बा। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग के सामने शेयर करने वाला हूँ अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, जो कि मैं क्यों T7 से शिफ्ट किया हूँ इस T5 SSD में। इसके पीछे कुछ कारण है और मैं अपने मैक मिनी में दोनों को बारी बारी से यूज करते रहता हूँ और देखते रहता हूँ कि कौन सा ज्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, किसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में यही सब चीजों पर बात करेंगे और आपके लिए सारा कंक्लूजन मैं करके दूंगा कि कौन सा SSD अभी के डेट में आपको लेना सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों बहुत लोग आप लोग पिछले वाले वीडियोस में बहुत से आप लोग मैसेज किए हैं कि ये जो T5 का SSD है नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको आज अमेजन का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के डायरेक्ट इसको परचेज कर पाएगा। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा, बिल्कुल मिल रहा है। दोस्तों मैं इसको 4500 में लिया था आज से 3 साल पहले, ये आपको कार्ड डिस्काउंट लगा करके 5000 में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों 3 साल में 500 बढ़ा तो कुछ नहीं, आपको अगर लेना है तो चेकआउट कर लीजिएगा, उससे पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों बिना देर के चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों के बीच में जो प्राइसेस डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। ये जो सैमसंग T5 का SSD है, इसकी जो प्राइसेस अगर बात करें अभी, तो ये आपको 500 GB का आपको 4 से 5 हजार के बीच में मिल जाएगा आराम से, लिंक तो दे ही दूंगा। लेकिन इसकी अगर बात किया जाए T7 के, तो इसके अपेक्षा में ये ज्यादा कॉस्टली है और ये आपको 1 TB का 8000-7000 के रेंज में अवेलेबल रहता है। और अगर 500 GB की बात कर लिया जाए इसका, तो ये इसके अपेक्षा में ये ज्यादा रहता है, 500 या 600 या 1000 रुपया आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। मेटल का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है और दोनों बहुत ठंडा ठंडा फील होता है और दोनों की बनावट बहुत कसी हुई है, सदी हुई है। ये जो T5 की SSD है, ये T7 की SSD से थोड़ी सी छोटी है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और अगर इसकी मोटाई की भी बात करें, तो उसमें भी जो T5 है वो ज्यादा मोटी है और ये जो T7 वाली है ये थोड़ी सी पतली है, तो कॉम्पैक्ट के मामले में ये T7 वाला ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों अब एक और आपसे बात करनी है, अगर ये चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो क्या कर रहे हैं, लाइक कीजिए, बिल्कुल फ्री है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेन प्रॉब्लम का, जो दोनों में मुझे देखने को मिला है, जिसकी वजह से मैं T7 से शिफ्ट किया हूँ इस T5 में। पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, मैंने दोनों को लगभग 10-10 दिन लगातार यूज किया और दोनों को फ्रंट में लगा करके यूज करता हूँ और हर समय वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फोटो एडिटिंग करता हूँ, मूवीज वॉच करता हूँ, उस सारे सिनेरियो में मैंने इसको टेस्ट किया है। मैंने ये पाया कि ये जो T7 वाली जो SSD है, इसके मुकाबले बहुत ज्यादा हीटिंग होती है और इतना ज्यादा हीट होता है कि मुझे इसको निकाल करके हटाना पड़ता है। और जबकि यही सब सिनेरियो में, यही सब काम करने में, ये जो T7 वाली SSD है बिल्कुल हीट नहीं होती है और कमाल का परफॉर्मेंस बिना कोई लैग किए हुए ये प्रदान करती है। तो हीटिंग का मामला इसमें इतना ज्यादा है, इसके थ्रू जो वायर कनेक्ट करके आप रखते हैं Type-C to Type-C, वो भी वायर हीट हो जाती है। अगर आप लोग कोई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इन दिनों में लगातार इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं देखने को मिला है और बहुत कमाल का परफॉर्मेंस देता है, हीट वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके स्पीड डिफरेंस का। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन का है, लेटेस्ट है, और ये पुराना है T5, तो ये आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि मैंने दोनों को बारी बारी से टेस्ट किया है हर सिनेरियो में, स्पीड टेस्ट, रीड एंड राइट, दोनों में कुछ ज्यादा खासा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका एक घंटा, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का ये गैप हो जाता है, माइनर गैप होता है, सेकंड्स का गैप होता है। T7 का जो SSD है, इसकी स्पीड रीड एंड राइट इससे बहुत ज्यादा तेज है, जैसे कि ये डब्बे पर मेंशन किया है। लेकिन प्रैक्टिकल यूज में दोस्तों मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है और मुझे ज्यादा कोई ऐसा गैप नजर नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो NVMe लगा हुआ है जिसकी वजह से ये ज्यादा हीट होती है। आपको बता दूं कि आईफोन्स वगैरह में जो SSD रैम होता है उसमें भी यही लगाया जाता है, जिसकी वजह से आईफोन्स भी हीट करते हैं। लेकिन इसके उल्टे ये जो T5 का SSD है, इसमें NVMe नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है V9 फ्लैश मेमोरी, जिसकी वजह से ये ज्यादा हीट नहीं करती है, बिल्कुल ही नहीं करती है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है। दोस्तों अगर बात कर लिया जाए कि यूजेस की किस किस चीज में आप यूज कर पाएगा इसको, तो आप बिंदास कोई भी फोन में इस्तेमाल करिएगा, एंड्रॉयड हो, iOS हो, कोई भी iPads में इस्तेमाल करिएगा, कोई भी एंड्रॉयड के टैब में इस्तेमाल करिएगा, टैबलेट में कर पाइएगा, विंडोज हो, Mac OS हो, MacBook हो, किसी में भी आप इसको बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में आप पासवर्ड लगा सकते हैं। और एक और खासियत है
कि जब सॉफ्टवेयर नया सैमसंग प्रोवाइड करता है तो दोनों में आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर पाएगा, वो आप जब इसको कनेक्ट करके रखिएगा पीसी से तो वहां पर आप जहां पर पासवर्ड टाइप करते हैं वहीं पर रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा और अपडेट का ऑप्शन रहेगा, वहीं से आप इसको अपडेट कर पाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि दोनों परफेक्ट है, अगर T5 नहीं मिलता है तो T7 लीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस इसमें हीटिंग इतना ज्यादा है जिसकी वजह से आपका मन बेचैन हो जाएगा। और अगर ये अभी मिल रहा है, आपको लेना है भविष्य में, तो अभी जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए लिंक और वहां से लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, कमाल की लगी, और इसी तरह के कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल ऑनेस्ट प्रैक्टिकली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तमाम इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।